गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस ये विजन की 24 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं, दैट इज द बिट्स फॉर ट्रिपल पी इन द पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन प्रोजेक्ट ओपन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन के अंडर कवर होगी। देखो गाइस अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने क्या किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स रिलीज किए हैं। फाइन, किसके लिए? सो दैट हम पैसेंजर ट्रेन्स को ऑपरेट कर सके। तो अब इन प्रोजेक्ट्स में क्या है, कोई ना कोई क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। फाइन, मतलब कि जैसे कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी जो गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, इशू करता है, तो उसको खरीदने वाले क्या होता है, लोग होते हैं। फाइन, तो उसी तरह के हैं अभी क्या है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स दोनों की तरफ से क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को क्या मिला है, बिट्स रिसीव हुए हैं। फाइन, मतलब कि दे आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग द प्रोजेक्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है, और इसके अंदर कितने, नियर अबाउट 29 पेयर ऑफ ट्रेन्स ऑपरेट होंगी, जिसको नियर अबाउट 40 मॉडर्न रिग्स की जरूरत होगी, और इसमें इन्वेस्टमेंट 7200 करोड़ की चाहिए होगी। इससे पहले भी जो रेलवेज हैं उन्होंने प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इनवाइट किया था, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को बोला था कि आप आओ पार्टिसिपेट करो, जिसमें वो 151 ट्रेन को इंडक्ट करेंगे कितने, 12 क्लस्टर्स में थ्रू ट्रिपल पी मोड। मतलब कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, मतलब कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। फाइन, ये जो ट्रेन्स हैं ऑलरेडी अपनी रूट्स पर चल रही हैं, जहाँ पर जो ट्रेन की डिमांड थी वो ऑलरेडी हायर थी देन द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है वो उसने क्या किया है, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को नियर अबाउट एंटेल, मतलब इंक्रीज किया है टू अबाउट नियर अबाउट 30,000 करोड़। फाइन, इसके अलावा जो प्राइवेट एंटिटी है, लाइक जो पब्लिक सेक्टर है वो तो काम करेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, वो मेनली किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो ट्रेन की फाइनेंसिंग के लिए, प्रोक्योरिंग मतलब खरीदना, उसके ऑपरेशन के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, इसके अलावा जो भी इंटरेस्ट रेट पेमेंट करना है, जो भी उसके होलेज चार्जेस हैं या एनर्जी चार्जेस हैं, वो सब पे कौन करेगा, प्राइवेट प्लेयर करेगा। फाइन, इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, अब गवर्नमेंट का क्या करेगी, वो इंजीनियर्स को या जो गार्ड्स उनको डिप्लॉय करेगी, जो इन ट्रेन्स को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, या फिर जो ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। अब हम क्यों चाहते हैं, देखो आपको पता है मेनली जो अभी रेलवे है हमारा वो पूरा क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर है। फाइन, इसमें हमने प्राइवेट प्लेयर्स को अभी तक मतलब कि इतना इन्वॉल्व नहीं किया है, और अभी हमने जैसे अगर इन्वॉल्व किया तो अभी तेजस ट्रेन बनी थी, तो ये कुछ न्यू ही स्टार्ट है। फाइन, तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इतना ज़्यादा अब क्यों ज़्यादा हम इंकरेज करें रेलवे सेक्टर में, सबसे पहले क्या होगा, इससे हम जो मॉडर्न अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेलवे में इंडक्ट कर सकते हैं, जैसे रेलवे व्हीकल, जिसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत कम पड़े, टाइम हम कम कर सकें और जॉब को क्रिएट कर सकें। फाइन, इसके अलावा हम क्या करें, अफकोर्स अगर हम पैसेंजर ट्रेन क्योंकि सबसे ज़्यादा चलती हैं, तो हम पैसेंजर्स को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें, स्पेशली गर्ल्स को, ठीक है, और हम उनका वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एक्सपीरियंस कर सके। इसके अलावा जो भी हमारा रेलवे में पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो भी रेलवे को घाटा हो रहा है, उसको हम क्या कर सके, रिड्यूस कर दें। फाइन, रिड्यूस द डिमांड सप्लाई डेफिसिट इन द पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। फाइन, नेक्स्ट न्यूज है अचीवमेंट अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। तो गाइस आपको पता है इस तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव हमारी सोशल इश्यूज में कर लूँगी, तो अभी तक अचीवमेंट्स क्या क्या कर लिए हैं। देखो ये स्टार्टअप इनिशिएटिव जो होती है वो 2016 में लॉन्च हुई थी। देखो गाइस इसका ईयर याद रखना, क्योंकि अब आप काफ़ी बार पढ़ चुके हो तो इतना आपको याद होना चाहिए। और जो स्टार्टअप इंडिया फ्लैगशिप इनिशिएटिव है किसका, गवर्नमेंट का, जिसके एम यही था, देखो नाम से समझ में आ रहा है कि हमें अपने इंडिया में क्या करना है, स्टार्टअप के कल्चर को ज़्यादा बूस्ट करना है, और हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है, स्ट्रॉन्ग और इंक्लूसिव इकोसिस्टम बनाना है। इंक्लूसिव मतलब हर एक, हमें हर एक सोसाइटी के हर एक तबके को अपनी इस चीज़ में इंक्लूड करना है, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो SCs हो या STs हो, या फिर जो भी बैकवर्ड सोसाइटीज़ हों या रूरल एरियाज़ हों, हमने उन सबको इन्वॉल्व करना है, सो दैट वो क्या कर सके, इंडिया में हम इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इन दोनों को अच्छे लेवल पे लेके जा सके। हम ज़रा देख लेते हैं इसके अंडर हमारी अचीवमेंट्स क्या है। सबसे पहले क्या है, ईजिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट। अभी क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक स्टार्टअप रनवे बनाया हुआ है, जिसको लॉन्च इसलिए किया गया था, जिसके अंदर क्या है, इस पोर्टल के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो भी स्टार्टअप्स हैं वो अपनी सर्विसेज, फाइन, जो भी सर्व, अब देखो स्टार्टअप बना है वो कुछ तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ना, या कुछ अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो क्या करता है, गवर्नमेंट को अपने प्रोडक्ट्स बेच सकता है या अपनी सर्विसेज बेच सकता है। फाइन, जून 2021 में अगर देखा जाए तो इस पोर्टल पर नियर अबाउट स्टार्टअप्स के द्वारा 76,564 ऑर्डर्स प्लेस किए गए, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है फास्टर एग्जिट फॉर द स्टार्टअप। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उन्होंने स्टार्टअप को नोटिफाई किया एज अ फास्ट ट्रैक फॉर्म्स। फास्ट ट्रैक फॉर्म्स मतलब कि क्या है, हमें क्या करना है, कोई भी अगर जो ऑपरेशन है, अगर उन्हें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो उन्हें अपने ऑपरेशन को विद इन 90 डेज, ज़्यादा से ज़्यादा 180 डेज, मतलब क्या करना है, उनको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बेनिफिट, लाइक कोई स्टार्टअप है उसने अपनी कोई इनोवेशन करी है तो उनके राइट्स को या जो उनका प्रॉपर्टी है उसको हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे. फाइन, ये आपको पता ही होगा WHO के WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंडर हम इन सबको प्रोटेक्ट करते हैं. फाइन, स्टार्टअप्स विच आर एलिजिबल फॉर 80% रिबेट इन द पेटेंट फाइलिंग फीस एंड 50% रिबेट इन द ट्रेडमार्क फाइलिंग फीस. फाइन, मतलब अगर सपोज करो स्टार्टअप का कोई भी अपना प्रोडक्ट है अगर वो पेटेंट फाइल करा रहा है तो उसमें उसको 80% रिबेट मिल जाएगी, और अगर वो अपने ट्रेडमार्क को फाइल करा रहा है तो उसको 50% रिबेट मिल जाएगी, वापस पैसा मिल जाएगा. मतलब कि पेटेंट्स उनको ग्रैंड किया जाएगा, बहुत जल्दी किया जाएगा, 81 डेज में. मार्च 2021 तक अगर देखा जाए तो पेटेंट एप्लीकेशन कितनी फाइल हुई थी, नियर अबाउट 5544, जिसके अंदर से 577 पेटेंट्स ऑलरेडी ग्रैंड कर चुके हैं. इसके अंदर 14,632 ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किए थे, जिसमें से 7,113 जो 13 ट्रेडमार्क्स को रजिस्टर्ड कर चुके हैं. फाइन, तो आप इसकी प्रोग्रेस देख सकते हो कि कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे, किसके पेटेंट के, और कितने ग्रैंट हो चुके हैं. उसी तरह कितने ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन हुए थे और कितने फाइनली ग्रैंट हो चुके हैं. नेक्स्ट है फंड ऑफ स्टार्टअप्स. तो अभी क्या है, इसके अंदर टोटल जो मतलब कि वैल्यू डाली हुई है वो 10,000 करोड़ की गई है. इसमें जो मॉनिटरिंग एजेंसी, आपको पता होना चाहिए फंड ऑफ फंड्स ऑफ स्टार्टअप, इसकी जो मॉनिटरिंग एजेंसी है वो कौन है, DPIIT, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. और इसके अलावा इसकी जो ऑपरेटिंग एजेंसी वो है CDBI, दैट इज़ द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. अब गाइस, आप दोनों बॉडीज़ के बारे में एक बार जाके गूगल करिएगा, DPIIT के बारे में भी और CDBI के बारे में भी. फाइन, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को भी लॉन्च किया गया था 2021 में, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टार्टअप्स को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, और अगर उनको कुछ कंसेप्ट का प्रूफ चाहिए, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री, कमर्शलाइजेशन. फाइन, तो गाइस आज का आपका क्वेश्चन यही है कि आप मुझे ये बताओगे स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है, स्टार्टअप हम किस कंपनी को बोलते हैं कि ये जो कंपनी है वो स्टार्टअप के अंदर कवर हो जाती है. फाइन, स्टार्टअप का मतलब ये नहीं कि आज खोला और उसको स्टार्टअप हो जाए, नहीं. फाइन, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, स्टार्टअप वो कंपनी होती है जिसको 10 साल हो चुके ऑलरेडी. फाइन, 10 साल से एस्टेब्लिश है और उसकी जो टर्नओवर है आई थिंक 25 से 50 करोड़ के बीच में. फाइन, तो इतना थोड़ा चीज़ आपको पता होना चाहिए. फाइन, बाकी आप स्टार्टअप की डेफिनेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स सजेस्टेड फॉर द पेटेंट वेवर कंपल्सरी लाइसेंस फॉर द वैक्सीन्स. तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी अगेन हमारी इकोनॉमी में कवर होगी, क्योंकि हम इसमें किस किस की बात कर रहे हैं, कंपल्सरी लाइसेंस, पेटेंट फाइल वेवर, इन सब की. फाइन, तो अभी क्या है, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में, दैट इज़ द जो भी पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटी है, देखो दो तरह की कमेटीज होती हैं पार्लियामेंट में भी, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक एडहॉक कमेटी होती है. स्टैंडिंग कमेटी होती है विच आर परमानेंट इन नेचर, जो हम हर साल परमानेंटली बैठाते हैं. एडहॉक कमेटी होती है टेम्परेरी होती है, जब हमें लगता है इसकी ज़रूरत है हम उसको एस्टैब्लिश कर लेते हैं और जैसे काम खत्म होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसको फिर वापस हटा लेते हैं. फाइन, तो अभी क्या है, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बोला है, जिसका टाइटल था रिव्यू ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिजाइम्स इन इंडिया. उन्होंने बोला है कि जो नेशनल हेल्थ एमरजेंसी है जो कोविड की वजह से हुआ है, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पेटेंट के जो राइट्स हैं उनको टेम्परेरी हमें हटाने पड़ेंगे. मतलब देखो अभी आपको बताया, अगर सपोज करो आपने कोई इनोवेशन करी और आपने अपनी इनोवेशन का पेटेंट करा लिया, फिर क्या होएगा, कोई आपसे बिना पूछे उसको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, इवन के यूज़ ही नहीं कर सकता. लेकिन अभी क्या पेंडेमिक है तो हमें हेल्थ इमरजेंसी है, जो नेशनल हेल्थ इमरजेंसी, हम क्या करेंगे, उन पेटेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, उनके राइट्स को हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, बिकॉज उस वक्त अभी ज़रूरत है. फाइन, क्योंकि पेटेंट एक इंसान की हेल्थ से ऊपर तो नहीं है ना एटलीस्ट, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, टेम्परेरी हम क्या करते हैं, उसको कुछ रिलैक्सेशन दे देते हैं. पेटेंट क्या होता है, एक्सक्लूसिव ग्रांटेड राइट होता है जो एक बंदे की इन्वेंशन के लिए दिया जाता है. फाइन, लाइक अगर आपने कोई दवाई बना लिया, ठीक है, आप उसका पेटेंट करा सकते हो. फाइन, अगर आपने कोई ऐसी क्रॉप बनाई है, कुछ भी बनाई है. फाइन, ये पेटेंट दो तरह के होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, एक प्रोसेस पेटेंट होते हैं. तो उस पेटेंट को एक्सक्लूसिवली राइट होते हैं अपनी इनोवेशन पे 20 साल तक का. इसके अलावा जो अदर्स हैं विच दे आर एक्सक्लूडेड फॉर मेकिंग एनी यूज ऑफ द पेटेंट. इसके अलावा WTO, दैट इज द जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इंडिया साउथ अफ्रीका ने ऑलरेडी टेम्परेरी पेटेंट वेवर को बोला हुआ है. हमने गाइस ये न्यूज़ भी पढ़ी थी पहले, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला इंडिया साउथ अफ्रीका ने कि हमें क्या करना है, कोविड जो वैक्सीन है, जैप्स का मतलब आपको समझ में होगा, वैक्सीन है या फिर जो ड्रग्स हैं उनके, सो दैट हम इक्वली यूज़ कर सकें, अफोर्डेबल हम अपनी जनता तक पहुँचा सकें, तो आप पेटेंट जो राइट्स हैं उनमें थोड़ा टेम्परेरी वेव कर दो, थोड़ा सा उसमें छूट दे दो. फाइन, इसके अलावा इट ऑल्सो रिकमेंडेड कंपल्सरी लाइसेंसिंग फॉर द मेडिसिन एंड द वैक्सीन प्रोडक्शन. अब क्या है, जो पेटेंट एक्ट 1970 का सेक्शन 92 है वो क्या करती है, कंपल्सरी लाइसेंस प्रोवाइड करती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सपोज करो आपने कोई कोविड का वैक्सीन ढूंढा या कोई मेडिसिन देता, तो आपके क्या किया जाएगा, आपको एक कंपल्सरी लाइसेंस मिल जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी आफ्टर पेइंग अ गवर्नमेंट डिटर्मिनेटेड रॉयल्टी टू द पेटेंट होल्डर. फाइन, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑफकोर्स अगेन क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी है तो आपका जो कंपल्सरी लाइसेंस का जो वो है ना सेक्शन, उसको भी इन्वोक कर सकती है अगर नेशनल इमरजेंसी का सरकमस्टांस है
या फिर एनी सर्कमस्टांसेस ऑफ द एक्सट्रीम इमरजेंसी इन केस ऑफ पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज, फाइन। इसके अलावा जैसे जो जेनरिक दवाइयाँ बनती हैं, फाइन, जेनरिक दवाइयाँ क्या होती हैं, सॉल्ट सेम होता है और वो सस्ती होती है, फाइन। जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं वो क्या करती हैं, बिना किसी पेटेंट के ऑब्लिगेशन के बनती है, वुड हेल्प इन, इसमें यही होता है जेनरिक मेडिसिन का कि हम सप्लाई करा सकें, ठीक है, और हम अफोर्डेबल ड्रग्स लोगों तक पहुंचा सकें, मेडिसिन एंड द वैक्सीन, फाइन। आप गाइस एक बार दे सकते हो सजेशंस क्या क्या हैं, एक सेकेंड। सजेशन ये है कि कंपलसरी लाइसेंस की जगह हमें क्या करना चाहिए, वॉलंटरी लाइसेंस करना चाहिए, सो दैट हम इजीली क्या कर सके, चीज़ों की सप्लाई कर सके, स्पेशली जो हमारी मेडिसिन होगी, वैक्सीन होगी। अभी का जो लॉज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइनेंसिंग पे, उनको काउंटर फीट्स है, मतलब वो टेम्परेरी है, काउंटर फीट का मतलब डुप्लीकेट हो गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ आईपी वैल्यूएशन एज एन इनटेंजिबल एसेट, अभी का जो आईपीआर पॉलिसी रिव्यू है उन्होंने बोला कि जो 64% जो पेटेंट फाइल हुए हैं वो नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा हो रखे हैं या फिर फॉरेन एंटिटीज के द्वारा। इसके अलावा उन्होंने बोला कि हमें री एस्टेब्लिश करना होगा आईपीएबी को, एक सेकेंड यार, यस, वी हैव टू री एस्टेब्लिश द आई पी ए बी इंक्लूडिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पेटेंट्स कॉपीराइट एक्ट, ठीक है। इसके अलावा जो पेटेंट्स हैं उनको कुछ और चीज़ों को भी इंक्लूड करना होगा, ट्रेडिशनल नॉलेज को, फाइन। इसके अलावा जो पेटेंट्स हैं उनको अप्रूव होना होगा, जो किस पे, लाइक जो पेटेंट्स प्लांट्स पे हैं, सीड्स पे हैं, उनको हमें अप्रूव करना होगा विद गवर्नमेंट एज अ पार्टिसिपेंट पेटेंट पेंडिंग मार्केट टू वार्ड ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट एंड द कॉपीज, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं अपनी, नीति आयोग एंड द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी लॉन्च द रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट, फाइन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट में कवर होगी अंडर GS3। अभी क्या है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जो क्या करती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, फाइन। तो इट इज़ इसका रैंक है, आपको पता होना चाहिए, थर्ड है, थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हम देखा जाए एक बंदा पर कैपिटा, मतलब कि एक बंदा इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करता है एज कम, वो अभी भी हमारी इंडिया में 1/3 है, मतलब कि अगर पूरे वर्ल्ड में अगर एक बंदा यूनिट्स, अगर मान लो कि 1000 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है तो इंडिया में वो 1/3 कर रहा है, मतलब कि ओवरऑल हमारी क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम थर्ड लार्जेस्ट हैं, लेकिन जो पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन है वो अभी भी हमारी वर्ल्ड एवरेज से 1/3 है, ठीक है। लेकिन हमारी क्यों है, हमारी लेकिन जो एनर्जी कंजप्शन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, बिकॉज गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स भी ला रही है, मतलब कि इतनी इस चीज़ों के बावजूद भी हमारी जो एनर्जी कंजप्शन है वो बढ़ रही है डिस्पाइट द गवर्नमेंट इंटेंशन टू परस्यू स्ट्रॉन्ग एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड, जिसमें हम LED लाइटिंग यूज़ कर, मतलब बोलते हैं लोगों को एनकरेज करते हैं LED यूज़ करो, एफिशिएंट कूलिंग यूज़ करो, बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करो, फाइन। जो इंडिया का मेजर जो रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन है वो कहाँ से आता है, हमारा सोलर एनर्जी से या फिर विंड एनर्जी से। जो रिन्यूएबल एनर्जी पेनिट्रेशन है वो हाईली वेरिएबल है विद इन द स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब कि किसी स्टेट में तो बहुत ज़्यादा हमारे हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करें और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो ना के बराबर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइन। तो आप देख सकते हो 3 लेयर्स हैं पावर सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की हमारी। सबसे पहले हमें क्या करना है, कौन कौन करेगा, मतलब पावर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कौन करेगा, कौन सी एजेंसीज के लिए वो होगी, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होगी। फिर जैसे एनर्जी मिनिस्ट्री होगी, रेगुलेटरी एजेंसी कौन होगी, मतलब कि अगर जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो क्या करेगी, सपोज को इस सबको काम करेगी, फिर उसको रेगुलेट कौन करेगा, फाइन। सिस्टम ऑपरेटर्स, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी स्टैंडर्ड बॉडी, इन सबको करेंगे, फाइन। इसमें जो पॉलिसी मार्केट्स रेगुलेटर, अब कौन रेगुलेट करेगा, तो ये सब मिलेगा, क्या क्या चीज़ें उसको हम कैटेगराइज करेंगे। अब हर बंदा तो हर चीज़ को मैनेज नहीं कर सकता ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे और अपन लोगों को हम काम बांटेंगे। जैसे एनर्जी स्ट्रेटजीज हो गया, लीगल फ्रेमवर्क्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हो गया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एंड डिसीजंस हो गए, पावर सेक्टर प्लानिंग एक्सरसाइजेज, रिटेल इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग हो गया, पावर मार्केट रूल्स एंड कोड्स हो गए, सिस्टम ऑपरेशन प्रोटोकॉल्स, कनेक्शन कौन, ये सब हो गया, फाइन। तो इसके अलावा क्या, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो गए, ऑफकोर्स पावर प्लांट्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स हो गए, एनर्जी स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, ये सब चीज़ें इसमें कवर होगी, फाइन। तो इंडिया का जो पावर सिस्टम है अगर हम देखा जाए वो एफिशिएंटली क्या कर सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट कर सकता है, मतलब कि हमारा एम था कि हमें 2022 तक 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है, मतलब कि क्रिएट करना है, और 2030 तक 450 गीगावाट। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना होगा कि किस रिसोर्स में ज़्यादा कैपेबिलिटी है या पोटेंशियल है कि वहाँ से हम ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होगी, रेगुलेटरी पॉलिसीज चाहिए होंगी, हमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी चाहिए होगी कौन करेगा, एनर्जी स्टोरेज भी चाहिए होगी और एडवांस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव भी चाहिए होगी। रिकमेंडेशन ये कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इंटरस्टेट ट्रेडिंग। देखो कई स्टेट्स ऐसी होती हैं जो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हैं, कई स्टेट्स हैं जो कम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो स्टेट्स में भी क्या होता है, ट्रेड होता है किसका, पावर का। तो उसमें जो टेक्निकल और इकोनॉमिक बैरियर्स हैं उनको सबसे पहले रिमूव करना होगा। इसके अलावा हमें क्या करना है, किस तरह से एनर्जी को स्टोर करने के जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं वो डेवलप करने पड़ेंगे, विद स्पेशल रेफरेंस हम किस में देंगे, बैटरी स्टोरेज को एंड
एंड पम्प स्टोरेज हाइड्रो टू कैप्चर देयर फुल वैल्यू. फाइन, मतलब कि अगर हम पानी से पावर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें तो हम उसका अच्छे से मतलब क्या करें, पूरा पोटेंशियल यूज़ करें. टाइम ऑफ यूज़ सारी मतलब कि ये एक इफेक्टिव टूल होगा जिसमें क्या कर सकते हैं, डिमांड साइड को इंटेंसिवाइज कर सकते हैं और फ्लेक्सिबल कंजप्शन इंक्रीज कर सकते हैं. रूफ टॉप सोलर सिस्टम को हमें मोनिटर करना होगा और मैनेज करना होगा. फाइन, नेक्स्ट है लॉज ऑन सर्विलियंस इन द इंडिया. फाइन, तो ये सर्विलियंस पे है. तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है, एक सेकेंड, हाँ, लॉज ऑफ सर्विलियंस इन इंडिया. फाइन, तो अभी जो कम्युनिकेशन सर्विलियंस है इंडिया में वो दो लॉज के अंडर कवर होता है. कम्युनिकेशन मतलब अगर आप किससे बातचीत करो, अब बातचीत कैसे कर सकते हो, फ़ोन के थ्रू कर सकते हो, मेल के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप पोस्ट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, अभी तो कोई नहीं कर सकता होगा. तो जो कम्युनिकेशन सर्विलियंस है वो दो तरह से दो लॉज के अंदर कवर होता है. एक तो टेलीग्राफ एक्ट 1985 और दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. फाइन, इन दोनों लॉज के अंदर जो गवर्नमेंट है वो कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसिस के अंदर ही उनको परमिशन होता है कि वो सर्विलियंस कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता. मतलब कि सपोज करो मुझे लगता है कि ये इंसान है, रिस्पॉन्सिबल है, जिसने कुछ भी कोई केस हुआ ऐसा हुआ, ठीक है, तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट को ही अलाउड है कि वो उस चीज़ को मॉनिटर कर सकती है. फाइन, इवन कि आपकी चैट्स होगी, व्हाट्सएप चैट्स होगी, कुछ भी निकलवा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को कोई हकदार नहीं है. टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर क्या है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ सर्टेन सिचुएशन, क्योंकि ऐसे तो अगर हर सिचुएशन में निकलवाने लगे तो आपकी प्राइवेसी को क्या करेगा, हार्म होगा, ठीक है. कुछ ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हमारी इंटीग्रिटी सोवरेनिटी को डैमेज हो रहा है, हमारी स्टेट की सिक्योरिटी के लिए, या फिर सो दैट वी हैव टू मेंटेन द फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर, या फिर हमें अपनी कमीशन अगर कोई ऐसा ऑफेंस है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको कितना ज़्यादा वो जेन्युइन है, उन सब चीज़ों को देखने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, उन कोज को देख सकती है. फाइन, इसके अलावा ये सेम रिस्ट्रिक्शन इम्पोज है ऑन द फ्री स्पीच अंडर आर्टिकल 19 क्लोज टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फाइन, इवन कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली हुई है, लेकिन अंडर सर्कमस्टांसेस इन सब अगर आप कुछ बोल रहे हो और हमारी सॉवरनिटी पे फर्क पड़ रहा है या हमारी सिक्योरिटी पे फर्क पड़ रहा है, तो वो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन कर रहे हो. फाइन, तो ये सेम रिस्ट्रिक्शन हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी है. फाइन, इसके अलावा अंडर आईटी एक्ट 2000 का, दैट इज़ द अंडर आईटी प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड्स फॉर इंटरसेप्शन मॉनिटरिंग एंड डिक्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रूल्स, जो 2009 में फ्रेम हुआ था, उसके अंदर सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो ऑर्डर को इशू कर सकती है. और इसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कौन सी है, होम सेक्रेटरी होगा या फिर स्टेट सेक्रेटरीज हैं जो होम डिपार्टमेंट्स के इंचार्ज हैं. इससे पहले भी जो पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था 1996 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हमारे पास क्या है, इतने अच्छे सेफगार्ड्स नहीं है जिसमें हम क्या करें, लोगों की इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकें, इन द प्रोविजन ऑफ टेलीग्राफ एक्ट, जिसलिए हमने कुछ सर्टेन गाइडलाइंस रखी है कि किस गाइडलाइन के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों का पता कर सकती है, कॉल्स का, मैसेज का पता लगा सकते हैं. फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है थर्ड एनुअल रिपोर्ट ऑन द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे शोज द जॉब सिनेरियो इम्प्रूव इन द 2019-20. तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है, अगेन सोशल इश्यूज़ या फिर हमारा किस में कवर होगा, इकोनॉमी में कवर होगा. फाइन, तो अभी क्या है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो ये लेबर फोर्स डाटा है वो कौन रिलीज़ करता है. ये हमारा NSO, दैट इज़ द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये लॉन्च करता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को. फाइन, अभी क्या है, जो पहली एनुअल रिपोर्ट आई थी वो जुलाई 2017 से जून 2018 में आई थी, जिसको रिलीज़ किया गया था मई 2019 में जो रिलीज़ की गई थी वो इस टाइम पीरियड की रिलीज़ की गई थी. और दूसरी इन्होंने करी है सेकेंड अब जून 2020 में करी है. देखो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसमें हम ये बताते हैं कि कितना पार्टिसिपेशन है हमारे लेबर फोर्स का इसमें. फाइन, मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं. तो ये बेस्ड किस पे है, ऑन द रैंडम सैंपल. रैंडम सैंपल पे ये हमने क्या किया, वो किया. देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को अगर हम रिलीज़ करें तो उसका ऑब्जेक्टिव यही है. सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स को एस्टीमेट करते हैं, मतलब कि वर्कर पॉपुलेशन रेशो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इन सबको एस्टीमेट करते हैं शॉर्ट टाइम, मतलब 3 मंथ्स के इंटरवल में करते हैं अर्बन एरियाज में, ओनली इन द करंटली वीकली स्टेटस. फाइन, इसके अलावा हम क्या करते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स को एस्टिमेट करते हैं यूजुअल स्टेटस पे भी और करंट वीकली स्टेटस पे भी, दोनों रूरल और अर्बन एरियाज में. अब गाइस ये क्या होता है, देखो करंट वीकली स्टेटस मतलब कि एक वीक में बंदा कितने घंटे काम कर रहा है, उस बेसिस पे हम देखते हैं कि कितना घंटा बंदा एम्प्लॉयड है, काम कर रहा है, उसको मिल रहा है. फाइन, यूजुअल स्टेटस में हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, हाँ
फाइंडिंग्स क्या है इसकी थर्ड पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे की, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2019-20 में कम हुआ है, विच इज़ अ गुड इंडिकेटर, 4.8% कम हुआ है। 2018-19 में ये 5.8% था फाइन, और 2017-18 में 6.1%। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट में मतलब घटाव हो रहा है, तो इसका मतलब एक गुड इंडिकेटर है। इसके अलावा जो वर्कर पॉपुलेशन वो है रेशियो वो इम्प्रूव हुई है, 2019-20 में 38.2% हो गया, जो 2018-19 में 35.3% थी और 2017-18 में 34.7% थी, फाइन अगेन अ गुड इंडिकेटर। इसके अलावा LFP दैट इज़ द एक सेकेंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो 2019-20 में 40.1% इंक्रीज़ हो गया, जबकि पिछले दो सालों में मतलब कि 2018-19 में 37.5% था और 17-18 में 36.9% था, फाइन। तो जितना ज़्यादा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उतना अच्छा होता है। अब आप एक बार इन सब की चीज़ देख लो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या होता है, जो हमारी लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, जो बच्चे जो लोग 18 से 59 साल की उम्र में हैं और जो अपना काम करना चाह रहे हैं, मतलब खुद भी चाहते हैं, अगर सपोज करो मेरा मन ही नहीं है काम करने, मैं जो भी नहीं सर्च करी तो मुझे लेबर फोर्स में काउंट नहीं किया जाएगा, फाइन। जैसे तो कोई हाउस वाइफ्स होती हैं, फाइन, अगर वो लेबर मतलब कि सर्च ही नहीं कर रही हैं, काम वो करना ही नहीं चाह रही हैं, देन वी विल नॉट काउंट देम अंडर द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स वो बंदे होते हैं जो 18 से 59 उम्र के बीच के और जो वर्क को ढूंढ रहे हो और वो वर्क करना चाहते हो, फाइन। तो इट इज़ डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स विच आर वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क इन द पॉपुलेशन, फाइन। वर्कर पॉपुलेशन वो है जो एक्चुअल में एम्प्लॉयड है, सपोज करो 100 लोग काम ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं या अवेलेबल हैं, और इसमें से एक्चुअल में एम्प्लॉयड कितने हैं 80, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितनी होगी 80। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब कि जो नहीं कर रहे हैं उनको जॉब नहीं मिली तो वो होगी 20 होगी। एक्टिविटी स्टेटस क्या है, वो हम डिटरमिन करते हैं पर्सन कितना एक्टिव है। यूजर स्टेटस में हम क्या करते हैं कि 365 डेज मतलब कि एक साल में वो कितने महीने या कितने दिन काम कर रहा है ये काउंट करते हैं। करंट वीकली स्टेटस मैंने आपको बता दिया कि 1-7 दिन में वो कितने घंटे काम करते हैं वो रेफरेंस पीरियड लेके चलते हैं। प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस में हम क्या करते हैं कि पर्सन ने पिछले 1 साल में वो यूजुअल कितना उसका एक्टिविटी कितनी है। द एक्टिविटी स्टेटस ऑन विच आ पर्सन स्पेंड रिलेटिवली लॉन्ग टाइम मतलब किस एक्टिविटी पर उसने ज़्यादा काम किया, समझ रहे हो, एक साल में उसने किस चीज़ पर ज़्यादा काम किया। लाइक अगर वो लेबर है, सपोज करो किसी कोयले की फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो उसने किस बेसिकली किस चीज़ पे काम किया, फाइन, उस पे कर रहे हैं। सब्सिडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पर हम देखते हैं कि द एक्टिविटी स्टेटस इन विच अ पर्सन इन एडिशन टू हिज यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस परफॉर्म सम इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर 30 डेज और मोर फॉर द रेफरेंस पीरियड ऑफ 365 डेज। मतलब कि अगर इंसान जो अपना नॉर्मल काम कर रहा है उसके अलावा उसने कुछ और इकोनॉमिक एक्टिविटी करी है उसको हम काउंट करते हैं, फाइन। आई होप गाइस आपको कुछ समझ में आएगा। अब हम बताते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे, G20 एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग, अभी G20 जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स उनकी मीटिंग हुई है। G20 जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर मीटिंग है उसमें क्या हुआ है, लास्ट में जो कंक्लूड हुआ है उसमें ज्वाइंट एग्रीमेंट अप्रूव हुआ है बेस्ड ऑन 3 एरियाज। अब वो 3 एरियाज कौन से हैं, बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो हमें इकोसिस्टम उसको रिस्टोर करना है, और वो हम कैसे करेंगे, सोइल को, नेचर को रिस्टोर करना है, वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, ओशंस और सीज इन सबको प्रोटेक्ट करना है। सेकेंड, हमें अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना है। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हमें रीयूज करना है, रिसाइकिल करना है, फाइन। हमें फोकस करना है सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स में, फैशन पे, सर्कुलर सिटीज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सो दैट हम जीरो वेस्ट को प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट है सस्टेनेबल फाइनेंस, मतलब कि हमें स्पेशली देखना है कि कहाँ पे जरूरत है। देखो अगर आपको इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट है तो उसको हमें फाइनेंशियल नीड्स को हमने एड्रेस करना है, सो दैट हम अपने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को अच्छे से शेप कर सकें, फाइन। नेक्स्ट है SERB, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। अभी क्या, अभी एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्टैचुरी बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था अंडर द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008। ये क्या करता है, रिसर्च को प्रमोट करता है साइंस एंड इंजीनियरिंग में। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है जो बंदे रिसर्च एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, रिसर्च या डेवलपमेंट लेबोरेटरीज में इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो एक्स ऑफिसर इसके पर्सन है, चेयरपर्सन है, वो DST के जो सेक्रेटरी है वो इनके पर्सन होते हैं, फाइन। इसमें क्या किया है, सो दैट अकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, लैब्स और कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं उन तीनों में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए ये रिसर्च में, डेवलपमेंट में, अक्रॉस एनर्जी, हेल्थ केयर एंड एविएशन सेक्टर में सर्व ने क्या किया है, GE दैट इज़ अ जॉन एफ वेल टेक्नोलॉजी सेंटर के साथ क्या किया, कोलेबोरेशन किया, फाइन। मतलब सिंपल बात है कि अपनी इंडिया के रिसर्च को और अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए किस एरियाज में, एनर्जी, हेल्थ केयर, एविएशन सेक्टर में सर अपने कोलेबोरेट किया है पर्टिकुलर इस सेंटर के साथ, फाइन। नेक्स्ट है, एक सेकेंड यार, बड़ा साइज हो गया यार, एक सेकेंड यार, यस। नेक्स्ट है, एक सेकेंड थोड़ा नीचे कर लेते हैं,
यस गेटकीपर मॉडल टू प्रिवेंट सुसाइड्स इन द प्रिजन। अभी क्या है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है जो कि एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंपॉर्टेंस का, उन्होंने गाइडलाइंस इशू करी है कि किस हिसाब से हम जो प्रिजनर्स हैं जो जेल में भी कैदी हैं या फिर जो प्रिजन स्टाफ हैं उनके मेंटल हेल्थ इशूज़ को मैनेज कर सकें। इन्होंने बोला हमें गेटकीपर मॉडल को एक क्या करना है अप्लाई करना है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे हम कुछ प्रिजनर्स को ट्रेन करेंगे जो सुसाइड रिस्क पे हैं, मतलब कि पहले हम उनको देखेंगे कौन ऐसे मतलब कि डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, तो उन बिजनेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे विच आर एट रिस्क ऑफ सुसाइड और हम उनको ट्रेंड करेंगे और फिर हम उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे और कुछ सपोर्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अगर हम स्टडी की एक तरफ से देखा जाए तो उन्होंने बोला है कि जो प्रिजन में पॉपुलेशन रह रही है उसमें 80% ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स उनमें आ चुके हैं। फाइन, नेक्स्ट है आर्मी स्किंग एक्सपीडिशन, दैट इज़ द आर्मिक्स 21। रिसेंटली के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने 4 मोस्ट लॉन्ग टफ टेरेन आर्मिक्स 21 को फ्लैग कर दिया, मतलब उसको हरी झंडी दे दिया। ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस में कंडक्ट होगी फ्रॉम काराकोरम पास जो कि लद्दाख में टू मलारी इन द उत्तराखंड। अब कुछ पर्सनैलिटीज एंड न्यूज़ में जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी, देखो तिलक ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने कंप्लीट स्वराज्य की डिमांड करी थी। इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी बोला जाता है और ये ऐसा किसने बोलता है वैलेंटाइन चिरोल ने, और इनके लिए केस भी चला था जब बाल गंगाधर तिलक गए थे। फाइन, ये याद होगा इनको सेडिशन के केस में चार्ज किया गया था 1897 में। इसके अलावा इनको जो टाइटल मिला था लोकमान्य का वो हमारे जब इनको ये मतलब कि उनको ये टाइटल मिला था। फाइन, इसके अलावा इन्होंने इंडियन होम रूल लीग को 1916 में फाउंड भी किया था और एज अ प्रेजिडेंट सर्व भी किया था। इस दौरान दो न्यूज़पेपर को इन्होंने एडिट किया था, केसरी ठीक है जो मराठी में था, एक महार्ता जो इंग्लिश में था। इसके अलावा इन्होंने एक बुक गीता रहस्य को भी लिखा था। इन्होंने फेमस लोगों को कॉइन किया था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। फाइन, नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद। तो अभी क्या है ये एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन रिवोल्यूशनरी, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया था। ये ककोरी ट्रेन रॉबरी केस में इन्वॉल्व थे 1925 में। इसके अलावा इन्होंने सौंदर्स अगर पता होगा उनको उनको मारा भी था लाहौर 1928 में। और इनको उन्होंने क्यों मारा था क्योंकि आपको पता है लाठीचार्ज में जब लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी तो उसका बदला लेने के लिए इन्होंने सौंदर्स को मारा था। इनको मारना किसी और का था लेकिन गलती से उसको मार दिया था। फिर सितंबर 1928 में इन्होंने नॉर्थ इंडिया के रिवोल्यूशनरीज के साथ मिलकर एक रीऑर्गेनाइज किया था हिंदुस्तान रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को, बना के क्या किया था HSRA बना दिया था। इनको कमांडर ऑफ चीफ भी चूज किया गया था इस पार्टी का। हाइवर इन्होंने क्या किया था HSR में 2 पॉइंट्स और ऐड किया, मतलब कि जब हमने फाउंडेड किया था तो HRA था उस पार्टी का नाम, फिर उसको रिफॉर्म करके HSR किया था, लेकिन 2 पॉइंट्स ऐड किए थे। सबसे पहले उन्होंने बोला था कि हमारी जो पार्टी का गोल होगा आइडियोलॉजी की वो सोशलिज्म की अडॉप्शन, ठीक है सोशलिज्म मतलब कि हर एक बंदे का इक्वल राइट है, कोई गरीब अमीर नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने रिलीजियस और कास्ट मेंबर्स को डिस्कार्ड किया था। लास्ट है भागीरथी अम्मा जो 22 जुलाई 2021 में डाइड हुई हैं। केरला की ओल्डेस्ट लर्नर है जिनको स्टेट लिटरेसी मिशन एग्जामिनेशन उन्होंने पास किया था 105 साल की एज पे, वो भी पास अभी हो चुकी हैं। इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी अवार्ड किया था 2020 में क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था टुवर्ड्स अ वुमेन एम्पावरमेंट। तो गाइस यहाँ पे माय डेली कंटेंट इस खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।